वेलकम बैक टू माई चैनल। आप सब कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आज है 14th of January, हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। और अभी हमारे घर के सामने आज है स्पोर्ट्स डे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। मैंने हमारे एरिया से ये करा जाता है हर साल, कोई डेट फिक्स नहीं है, कभी भी हो जाता है। तो इस साल आज के दिन पे ही है। तो अभी हम लोग सब लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे। रेडी क्या होना है, मैंने वेद का फर्स्ट स्पोर्ट्स डे है, वो क्या करेगा क्या पता, उसे तो पता भी नहीं है। तो मैं अभी जा रही हूँ सुबह, मैं अभी सुबह के कितने बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं दूध लेने जा रही हूँ दुकान में, क्योंकि मुझे बनाना है आज गाजर का हलवा। ऐसे कोई ये नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज त्यौहार है तो गाजर के हलवे से ही चलाया जाए। तो अब गाजर का हलवा बनाना है, तो मैंने ग्रेट व्रेट सब कर लिया है सुबह उठकर ही। और अभी मैं दूध लेके आके उसे चढ़ा दूँगी और गाजर का हलवा बन जाएगा सुबह मेरा अच्छे से। तो फिर सारा दिन भी चल जाएगा। और उसके बाद आके वेद को भी तैयार करना है, उठाना है, अभी तो वो सो रहा है, ठंड है, तो हम लोग जल्दी उसे उठाते भी नहीं है, बिस्तर में से निकालते भी नहीं है। तो पहले मैं दूध ले लेती हूँ, दूध और बाकी जो चीज़ें हैं दुकान से वो ले लेती हूँ, और फिर घर में क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं, वो सब भी आप देखिए। गुड मॉर्निंग काकू। चार पैकेट दूध, 1 kg चीनी, गोवर्धन घी आछे, मुझे ऐसा लगता है कि गोवर्धन घी अच्छा ही है, मैं ये प्रेफर करती हूँ। अब बाकी आप, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं अलग अलग। तो यहाँ पे मैंने गाजर को प्रेशर कुकर में दे दिया था, इसमें 2 लीटर मैंने दूध दे दिया है और अब मैं इसे पकाने रख देती हूँ। इसी में ही मैंने पूरा हलवा कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ पे हलवा बन रहा है, बाकी मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। आज मटर के पराठे बनेंगे नाश्ते में, तो वहाँ पे मैं नाश्ता ही कर लेती हूँ। उसके बाद वेद को उठाना है मुझे, उसको भी नाश्ता करवाना है, ब्रश करवाना है, तो पहले मैं वो काम कर लेती हूँ। और ये गाजर का हलवा यहाँ पे होता रहेगा। और ये देखिए गाजर का हलवा एकदम कंप्लीट है। मैं इसे अब गरम गरम सर्व करके इनको दे देती हूँ खाने के लिए, टेस्ट करवाने के लिए। ऐसे दिखने में तो बहुत अच्छा ही लग रहा था, अब ये भी बताएंगे कि कैसा बना है। ऐसे नट्स डाले हैं और थोड़े ऊपर से मैं गार्निश के लिए दे दे रही हूँ साथ ही में। तो यहाँ पे गाजर का हलवा बनके एकदम रेडी है, टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ पे हो गई है गाजर के हलवे की प्रिपरेशन पूरी। मैं काजू बादाम भी मैं साथ में काट ही रही हूँ। आप लोगों के यहाँ पे कैसा क्या होता है, उत्तरायण कैसे, मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है, बताइएगा कमेंट करके। मैं तो बहुत मिस करती हूँ मेरे घर पे जो मैंने पतंग उड़ाना, सुबह नाश्ते में पापा जलेबी फाफड़ा ऊंधियू लेकर आते थे, वो सब मैंने बहुत मिस किया जाता है। यहाँ पे कलकत्ता में मकर संक्रांति नहीं मनाते, पर यहाँ पे जो संक्रांति मनाते हैं उस दिन यहाँ पे पीठा बनता है बहुत तरीके का, अलग अलग, सबके कल्चर अलग अलग है।
पर बचपन से आप जो कल्चर में रहकर आए हैं तो वो तो थोड़ा बहुत मिस करते ही है। यहाँ पे वेद भी उठ गया है, वेद को मैंने ब्रश व्रश करवा दिया, मुंह धुलवा दिया है और वेद अभी अपना ब्रेकफास्ट करेगा। हाय कर दो सबको। हाय हाय। यहाँ पे वेद को, वेद रेडी, मम्मी रेडी, वेद की मम्मी पीछे रेडी कैमरा के, तो हम लोग लेकर जा रहे हैं वेद को स्पोर्ट्स करवाने के लिए। फर्स्ट उसका ही है, उसके एज ग्रुप से शुरू कर रहे हैं छोटे बच्चों के, क्योंकि ये लोग लंच के बाद कर नहीं पाएंगे तो इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग अच्छे से मैंने खड़े हो गए हैं, मैंने बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि आज स्पोर्ट्स है यहाँ पे। सब बहुत दिनों बाद, मैंने ठंड में तो घर से बच्चों को बाहर आने नहीं मिलता है तो आज आने मिल रहा है, तो सब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जे कौन से एज ग्रुप है, सब एज ग्रुप का अलग अलग गेम्स है तो इस वजह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यहाँ वेद भी सबके साथ बहुत इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे वेद की सबसे पहली रेसिंग शुरू हो रही है। यहाँ पे ग्रुप है 1 साल से 4 साल तक के लिए, तो ये लोग कैंडी रेस करेंगे। पहले वेद को मम्मी वहाँ पे समझा रही है कि कैसे करना है और वो भी सिर हिलाए जा रहा है जैसे उसे सब पता है। यहाँ पे वेद की और एक रेसिंग शुरू हो गई है, ऑरेंज रेस। वो ऑरेंज को लेके दौड़ना है, वो मम्मी को देख रहे हैं उसकी दादी पीछे आ रही है कि नहीं, और फिर वो बाद में दौड़ रहा है। तो भी उसने फिनिशिंग लाइन तक कंप्लीट किया, यही बहुत है। पहली बार कर रहा है, पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है तो हम इसी में ही खुश है। और यहाँ पे अंको दादा के साथ खेल रहा है। और यहाँ पे फिर ऑदरीज की रेसिंग शुरू हो गई थी, यहाँ पे ऑदरीज देख रहा है। वेद का गेम हो गया है और जो हमारा, मैंने हमारे जो 30-35 के अंडर है उनका गेम दोपहर में होगा, तो इसलिए हम लोग घर आ गए थे वेद को लेकर। तो अभी हम लोग हमारे घर की बालकनी से ही देख रहे हैं क्योंकि हमारे घर के सामने ही हो रहा है तो यहाँ से ही देख रहे हैं। वेद को लेकर आ गए थे, दोपहर का खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे तो उसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ। और वेद और शिजोनी यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, ये दोनों जने यहाँ से बालकनी का मजा ले रहे हैं, बालकनी से देख रहे हैं स्पोर्ट्स डे हो रहा है। करके देख दे रहा है मेथी का साग तोड़ने में, मम्मा को हेल्प कर रहा है वेद। इसके जल्दी से खाना बने और फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, स्पोर्ट्स देखने। कंप्लीट खाना बनाना सब कुछ कंप्लीट। और अब मैंने यहाँ पे अपने लंच की थाली ले ली है
यह है मेरा खाने की थाली। आज मैंने ये सब बनाया, भात, वहाँ पे है हरी प्याज सैलेड के लिए, फिश फ्राई है, मेथी आलू की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी और फिश करी है, वो अभी तक मैंने ली नहीं है, वो बाद में लूँगी। और यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया है, हमारे एज ग्रुप के गेम्स शुरू हो रहे हैं, तो मैं जल्दी से खाना खा के चली जाती। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए पासिंग द बॉल था, वो उनका पहले करवा दिया था हमारे से पहले, और ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा था इनको देख कर। और ये अब हमारा गेम शुरू हो गया है, ये येलो जैकेट में मैं हूँ, तो हमारा था ये बैलेंसिंग का, पॉट बैलेंसिंग करके जाना है। फिर उसके बाद म्यूजिकल चेयर था हमारे जो हमारे एज ग्रुप के बाद वालों का, 45 to 55 एज ग्रुप के लिए। অবশ্যই খেলা দৌড় হাঁটলে হবে, মিউজিক্যাল চেয়ার তো দৌড়াতে হবে। और फिर शाम को आके मैंने बना लिए थे गरम गरम भंगोड़े और उसके साथ चटनी चाय के साथ सर्व की। और आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।